हर हर महादेव। आज हम उज्जैन महाकालेश्वर महाकाल की नगरी जा रहे हैं। हमारी जो ट्रेन है वो करनाल से है, जो कि शाम 6 बजे करनाल से निकलती है। ट्रेन चल पड़ी है भाई, अपनी ट्रेन 10 मिनट लेट चली है करनाल से। रात हो चुकी है जी, हम मथुरा जंक्शन पहुंच चुके हैं कृष्ण जी की पावन धरती पे। अपना रात का सफ़र निकल चुका है जी, बहुत बढ़िया सफ़र रहा अपना पूरी रात का, बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं हम। अभी देखते हैं कौन सा स्टेशन आता है आगे, आपको अपडेट करते हैं फिर उसके बाद। भोपाल स्टेशन क्रॉस कर लिया है, 1 घंटे में हम उज्जैन महाकालेश्वर पहुंच जाएंगे। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है भाई, मज़ा आ गया पूरे सफ़र में। 18-19 घंटे का सफ़र रहा है अपना। सारे भाई थक चुके हैं, कोई होटल देखते हैं चेक इन करके, फ्रेश फ्रूश होने के बाद फिर महाकालेश्वर मंदिर की तरफ आगे अपना प्रस्थान करते हैं। बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन बना रखा है भाई उज्जैन का, मज़ा आ गया देख का। स्टेशन के बाहर ही भाई बहुत बड़ा तिरंगा लगाया हुआ है। स्टेशन से बाहर निकलते ही भैया सब ना ऑटो मिल जाएंगे 10 रुपये सवारी के हिसाब से, अपना महाकालेश्वर मंदिर के पास बिल्कुल पास उतार देंगे जाके। ऑटो वाले पे थोड़ी जानकारी ली थी भाई, जो उज्जैन जो अपनी सिटी है वो पूरी सिप्रा नदी के चीरदी बस रही है, चारों तरफ यहाँ पे सिप्रा नदी है जिसमें सब बंदे आकर यहाँ पे स्नान करते हैं। और यहाँ का राम घाट है जी, राम घाट के ऊपर बहुत प्रसिद्ध घाट है यहाँ का। महाकाल के दर्शन करने से पहले भाई सब यहाँ अपना स्नान करके जाते हैं। बोट राइड भी हो भाई यहाँ, 100 रुपये 1 चक्कर के पर बंदा। ये भी प्रवाह
वहीं आप ना ऑटो वाले मिल जाएंगे जो आपते सारी डिटेल देंगे, अपना सभी मंदिर घुमाएंगे जो शहर से थोड़े थोड़े बाहर हैं। तो उसका सबका किराया 100 रुपये पर बंदे के हिसाब से लेते हैं। एक ऑटो में 3 से 4 बंदे आ सकते हैं। अब हम आ चुके हैं महर्षि संदापनी आश्रम। यहाँ पे कृष्ण जी जो है बचपन में सुदामा के साथ यहीं दोस्ती हुई थी, यहीं वो अपना पाठशाला थी उनकी, यहीं खेला कूदा करते थे। यो भाई आश्रम का कुंड है। ये अंदर थोड़ी सी चित्रकारी कर रखी है भाई, जिसमें दिखाया गया है कि कृष्ण जी यहाँ क्या क्या करते थे, कैसे कैसे खेल खेला करते थे, उनके बारे में थोड़ा बताया गया है। बड़ी अच्छी चित्रकारी करी गई है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है देख का, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। हम मंगलनाथ मंदिर आ चुके हैं। ये कृष्ण जी वाले मंदिर से तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास दूर है। ऑटो वाले ने हमें उतार दिया यहाँ पे बाहर गेट पे। अब हम मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये मंदिर के पीछे भी घाट बना हुआ है, बड़ा ही अच्छा दृश्य है यहाँ का भी। अभी हम काल भैरव मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जो कि उज्जैन का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये कहा जाता है कि उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन अनिवार्य हैं। काल भैरव मंदिर में प्रसाद के तौर पर शराब चढ़ाई जाती है। बाहर ही बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं जहां से आप शराब लेकर अंदर परिसर में चढ़ा सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास में ही हर सिद्धि माता का मंदिर है, जो कि एक शक्ति पीठ है। आरती का समय हो चुका है, चलिए आपको आरती दिखाते हैं।
लियो भाई बाहर से दर्शन करो महाकालेश्वर मंदिर, जो कि बहुत ही अद्भुत नज़ारा है भाई बाहर से। रात का दृश्य बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, पूरा मंदिर रात ना लाइटों से बाल कर रखा भाई, सारा चकाचौंध कर रखा पूरी, बहुत ही बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना रखी भाई, शिव जी की, गणेश जी की। हर हर महादेव, मजा आ गया भाई शिव जी के दर्शन करके। विष्णु जी की और कृष्ण जी की भी मूर्ति है भाई यहाँ, बहुत बड़ी बड़ी। फिलहाल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं भाई अंदर, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, जितनी हो सकेगी आपसे दिखाने की कोशिश करेंगे। सुबह सुबह चल दिए हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। सुबह सुनने में आई है बहुत कम भीड़ होती है, तो हम जल्दी से जल्दी लाइन में लग के अपने दर्शन के लिए जा रहे हैं। मंदिर के बिल्कुल सामने ही बड़ा गणेश मंदिर है, यहाँ पे दर्शन भी बहुत ज़रूरी हो भाई महाकालेश्वर दर्शन करने से पहले। बढ़िया मौका मिल गया, बिल्कुल खाली पड़ा सब, और बस इमारती देखने का मौका मिला है, बहुत आनंद आ रहा अंदर। बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं भाई अंदर, मज़ा आ गया महाकालेश्वर के दर्शन करके। बहुत ही अच्छा व्यू है अंदर का, और बहुत ही अच्छी वाइब है अंदर से भाई, मज़ा आ गया बिल्कुल। सब नाना चाहिए एक बार। जय महाकालेश्वर।